इसने 10,000 रुपए। तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है कि इसने आपकी बार जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रखी है सभी के लिए। यानी प्रथम वर्ष के लिए जो रखी है उसने कितनी रखी है, उसने 4% रखी है। चलिए दूसरे वर्ष के लिए जो फर्स्ट ईयर उसके लिए 4%, जो सेकंड ईयर है उसके लिए 5%, और जो आपकी थर्ड ईयर है उसके लिए कितने परसेंट, 10% रखी है सीधे। तो इसका मतलब 4% की फ्रैक्शन आप जानते हैं कितनी होती है, 1/25। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। इसका कितना होता है, 1/10। तो बहुत ध्यान से समझें,